वचन आपको बोलूंगा, आप लिख लीजिए। और दूसरा वचन में हम जब देखते हैं, हे भाइयों, आप जितने परीक्षा में जाते हैं तो इसके द्वारा आपका आनंद पूरा होता है। So the various trials James is mentioning, he is taking it from the parallel passage from Matthew chapter 5, verse 10 to 12. और यहाँ पर हम देखते हैं जब याकूब की पत्री उसके एक अध्याय दूसरा आयत में याकूब इस प्रकार से कहते हैं, हे भाइयों, जब आप परीक्षा में होके जाते हैं तो ये वचन माती रचित समाचार उसका 5 अध्याय से लिया गया है। In chapter 2, James he talks about favoritism to the rich and calling Christians to generosity towards the poor. और हम याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय में पक्षपात के विषय में हम पढ़ते हैं, और जो कलीसिया में जो धनी लोग हैं और गरीब लोग हैं, इन लोगों को बीच में कैसे वो पक्षपात करते हैं और उसको नहीं करना है, इसके विषय में जिक्र किया गया है। In James chapter 2 and verse 5, the parallel passage to that is seen in Matthew chapter 5 and verse 9. और Matthew chapter 5 and verse 3. कोई कुछ बोल रहे भाई? No, brother, I just said Matthew chapter 5 and verse 3. इसमें हम देखते हैं कि याकूब की पत्री दूसरा अध्याय उसका 5 आयत में और उसका जो पैरेलल पासेज है माती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 3 वचन। In chapter 3, James is focusing on the tongue. और तीसरा अध्याय याकूब की पत्री तीसरा अध्याय में याकूब जीव के बारे में बात करते हैं। In chapter 3 and verse 18, he takes a parallel passage from Matthew chapter 5 and verse 9. और याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 18 वचन को उसका जो पैरेलल पैसेज है वो माती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 9 वचन। And then we come to chapter 4 where the focus is on worldliness. और जब हम 4 अध्याय में आप आते हैं हम आते हैं तो सांसारिक बातें को हम देखते हैं। So James chapter 4 and verse 3, he takes a parallel passage from Matthew chapter 6 and verse 14. और हम याकूब के पत्र उसका 4 अध्याय 3 वचन को उसका पैरेलल पैसेज हम देखते हैं माती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 14 वचन को। 6 and verse 24, sorry, not 14, 6 and verse 24. माफी चाहता हूँ, 6 अध्याय उसका 14 वचन नहीं है, उसका 24 वचन है। And in chapter 5, James is in chapter 5, verse 2 and verse 3, we see about the rich and about our desire to store up treasures. And he takes a similar passage from Matthew chapter 6, verse 19 and verse 20. और याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 3-4 वचन में हम जब देखते हैं तो उसमें धनवान और धन इकट्ठा करने के वाले में चेतावनी देता है, वो माती रचित सुसमाचार 6 अध्याय से लिया गया है। See, the reason why I just mentioned this is that when we saw yesterday on the progress of the disciple, the impact of the Sermon on the Mount was seen in the life of James. And he records the Sermon on the Mount in different forms in his epistle. और जैसे हम पिछले क्लास में देखा था कि एक शिष्य का बढ़ोतरी के बारे में, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इस प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के द्वारा लोगों का जीवन प्रायोगिक जीवन में वो लोग कैसे प्रभावित हुए, और उसी के आधार पर याकूब भी उस वचन के ऊपर वो प्रभावित हुआ। So that it clearly shows that the Sermon on the Mount is very important for a believer. और वो ये दिखाता है कि ये पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह का जो पहाड़ी उपदेश विश्वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। And that is why, when we dwell in the Sermon on the Mount in chapter 5, 6, and 7, we will actually see the glimpse
and we see the heart of God in Jesus Christ wanting to see each disciple grow to be like him. और जब हम पांच अध्याय में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी उपदेश बीएटीट्यूड्स मनभाव के बारे में चेलों को जब शिक्षा देते हैं तो उसमें हम परमेश्वर के जो गुणों के बारे में हम देखते हैं और उनका हृदय के बारे में भी हम देखते हैं जो कि हर एक शिष्य का जीवन में होना आवश्यक है. Okay, today we will be looking at Matthew chapter 5 and verse 3. The first beatitude, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. और आज हम पांच मत्ती रचित सुसमाचार उसका पांच अध्याय और उसका तीन वचन को देखेंगे. धन्य हैं वे जो मन की दीन हैं क्योंकि स्वर्ग राज्य उनका है. If we have to pick up an object from a very high, when a high position in a height, we need a ladder. अगर हम किसी ऊंचाई पर हमारा हाथ को पहुंचाना है तो उसके लिए हमको एक सीढ़ी का जरूरत होता है. So if the ladder has to be of any use, then the lowest rung has to be close to the ground. और जो भी सीढ़ी है वो उस ऊंचाई पर लगना चाहिए और साथ साथ में वो जमीन के नीचे भी उस लगना चाहिए. So if the first rung is a little high and you are finding it difficult to climb, then that ladder is of no use. और अगर आपका सीढ़ी उस ऊंचाई से छोटा है और आप उसके द्वारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस सीढ़ी को व्यवहार करना व्यर्थ है. So if we have to climb up that ladder, we need to start from the lowest rung or the lowest step. अगर आप उस सीढ़ी में चढ़ना है तो आप एकदम से ऊपर वाला जो स्तर में नहीं पहुंचेंगे लेकिन उससे हमको जो नीचे से शुरुआत करना है. And that is what we are this beatitudes is going to teach us, and that is we have to consider that we are poor in spirit and then we go up the ladder. इसीलिए इस धन्य वचन में हम ये देखते हैं सबसे जो पहली बात है जो पहला जो कार्य है मन की दीनता की हर एक विश्वासी को इस स्तर को इस पड़ाव को पड़ाव के द्वारा उनको जाना चाहिए. See, Jesus does not say blessed are the poor. और प्रभु यीशु मसीह धन ऐसा नहीं कहा कि धन्य है वो गरीब लोग. Yeah, but he goes on to say that blessed are the poor in spirit. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं धन्य है वो जो मन की दीन है. हाँ, so being poor in the spirit is important for a disciple of Jesus Christ. और मन की दीनता होना एक विश्वासी और एक शिष्य के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है. We see in Greek there are two words for poor. यूनानी भाषा में दरिद्र के लिए दो शब्द इस्तेमाल किया है. Okay, there is one word penes that means that a person has to work for living, that is a daily worker. और एक जो शब्द है जो यूनानी भाषा में प्रयोग किया गया है वो पेनिस है जिसका मतलब एक मजदूर को एक एक दिन में काम करने के जो मजदूर मिलता है. Okay, so there is this person works daily and he gets sufficient money for that particular day and he has nothing surplus, nothing extra. और यहाँ पर एक मजदूर एक दिन के लिए काम करता है और उसका मजदूरी उसको मिलता है जितना मिलना चाहिए उसको उतना ही मिलेगा उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा. Okay, for an example, if I am getting 10,000 rupees a month. मान लीजिए कि मैं एक महीने में 10,000 मुझे मिलता है. So 10,000 rupees, I need to pay the rent for the house that I'm staying. I need to buy the food. I need to
take care of my transportation to work. And so at the end of 30 days, this 10,000 is over. और जैसे कि मैं वो 10,000 को मेरे रूम का किराए भी देना है, मेरा परिवार का पालन पोषण भी करना है, और उसके साथ साथ मेरा आने जाने का खर्चा भी उठाना है, और ये करते करते 30 दिन के अंदर में ये समाप्त हो जाता है. So 10,000 is sufficient for 1 month, and I have nothing extra left over, and I cannot live a very luxurious life. और इस 10,000 में 30 दिन के अंदर में वो समाप्त हो जाता है और पर्याप्त हो जाता है, और इसके वजह से मैं एक आरामदायक जीवन नहीं जी पा रहा हूँ. Okay, there is another word that is tokos. और जो दूसरा यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है टोको करके, इट मींस एब्सोल्यूट पॉवर्टी. और इसका मतलब जो दरिद्रता से दरिद्रता. It actually means that we are depending on the goodness of others. और इसका मतलब ये है कि हम भलाई के दूसरों के भलाई पर निर्भर करते हैं. I don't even have the 10,000 rupees that even if I have to pay for the rent of my house or if I have to buy some food to eat, I need to depend upon a brother or somebody to give it to me. और हम हमेशा उस 10,000 हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए हम किसी भाई या बहन के ऊपर निर्भर करते हैं कि कुछ और भी जो खाने पीने का जो सामान खरीदने के लिए उनके ऊपर हम निर्भर करते हैं. So I have absolutely nothing in my hand. तो मेरे पास और कुछ है ही नहीं है. I depend totally on the goodness of others. मैं उस दूसरे लोगों का भलाई पर निर्भरता रखता हूँ. And that is the word that Jesus Christ used here, tokos, absolute poverty, when he says, "Blessed are the poor in spirit." इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 3 आयत में जो दरिद्र से दरिद्र शब्द को इस्तेमाल कहते हैं और कहते हैं धन्य है वे जो मन की दीनता है. So those who are totally depending upon the goodness of others. जो लोग दूसरे के भलाई के ऊपर निर्भरता करते हैं. When a person realizes that he has nothing and that God is everything. जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसके पास कुछ है नहीं और वो प्रभु यीशु मसीह या प्रभु के ऊपर निर्भर रखता है. A person who realizes his utter helplessness and depends only and puts his trust in God for help. और ये व्यक्ति ऐसा है जो संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता है और अपना प्रायोगिक जीवन को उनके हाथ में सौंप करके आगे बढ़ता है. And as Paul told in 2 Corinthians chapter 10 he put his focus on the Lord and his word and not comparing it with others and their ministry. प्रेरित पौलुस के जीवन से हम एक उदाहरण देख सकते हैं जो कि 2 कुरिन्थियस उसका 10 अध्याय में लिखा गया है, और वो केवल वो अपने ऊपर और प्रभु के ऊपर ही भरोसा करता है, ना कि वो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है. So that is the poverty or being poor in spirit. और वो ही है जो दरिद्रता या मन की दीन होना. So what Jesus Christ is saying is that you need to be spiritually bankrupt. और प्रभु यीशु मसीह आत्मिक तौर से धनी बनने के लिए यहाँ पर बात करते हैं. Put your entire trust in me. और प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं अपना सारे तन मन और हृदय के साथ आप मुझ पर भरोसा करो. Have a total dependence in God. और प्रभु पर संपूर्ण रीति से भरोसा करो. See, when we come to the book of Revelation, there are 2 churches where we see this example.
2. जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं वहां पर दो कलीसिया के बारे में लिखा गया है इस दरिद्रता के बारे में हम पढ़ सकते हैं. Okay, we see it, to the church in Smyrna in chapter 2, Revelation chapter 2 and verse 9. और हम प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 9 वचन में सुमरना कलीसिया के बारे में हम देखते हैं उनका क्लेश और उनका दरिद्रता को. Okay, they have gone. I know your tribulation and you are poor. But मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहलाते. Yeah, I know you are poor, but you are rich. और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उस कलीसिया को ये कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम दरिद्र है तब भी तुम धनी हो. Okay, you are poor because of the tribulation of because of the pressures, the economic pressures, the because of the persecutions that you are going through, but you are rich in me. और यहाँ पर कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि हो सके तुम उस दरिद्रता इसीलिए है कि तुम्हारे जीवन में ताड़ना है, क्लेश है और जो वर्तमान इकोनॉमिक्स का जो का गिरावट के लिए, लेकिन तुम मुझ में धनी हो. You are totally depending upon my upon me. और आप मुझे संपूर्ण रीति से भरोसा करते हो. The world may see that you are poor, but you have a total trust in me, and that is why you are rich. हो सके संसार आपको संसार के नजर में आप बहुत दरिद्र हो, गरीब हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आप धनी हो. Okay, there is another church, that is the church at Laodicea. और लाओदिकिया का कलीसिया में भी हम जब देखते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं. Okay, the church that was neither hot or cold, it was a lukewarm church. और ये जो कलीसिया ना कभी वो गर्म था ना कभी वो ज्यादा कमल था. Okay, and then we read in verse 17. जब हम तीसरा वचन तीसरा अध्याय उसका 17वां वचन में पढ़ते हैं. The people or the members of the church were saying, I am rich. और उस कलीसिया के जो सदस्य लोग कहते थे मैं धनी हूँ. I have become wealthy. और मैं धनवान बन गया हूँ. And have need of nothing. और मुझे किसी का और कोई भी विषय वस्तु का जरूरत नहीं है. Okay, I can depend upon my strength. मैं अपने सामर्थ पर निर्भर करता हूँ. I can depend upon my riches. मैं मेरा उस धन में निर्भर करता हूँ. But Jesus Christ is saying, and you do not know that you are wretched, miserable, and poor. और वे ये कहता है, ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुष्ट और कंगाल और अंधा और नंगा है. Okay, you think you are rich, you think you don't need anything, but actually you are poor. आप ये सोचते हैं कि आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप सोचते हैं आप धनी हैं, लेकिन आप आत्मिक तौर से बिल्कुल दरिद्र हो. So being poor in the spirit is that a person who has a total dependence upon God. मन का दीनता होना का होने का मतलब ये है कि संपूर्ण रीति से अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना. We know that even for our salvation, we could not do it by our own works or by ourselves, but we had to have the love of God and His Son who came to give us salvation, to redeem us from Satan and sin and death. हम ये जानते हैं कि हम उधार पाने के लिए हम हमारा उच्च अच्छा गुणों के बारे में द्वारा नहीं है या हमारा अच्छा कार्यों के द्वारा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और दया से और पिता परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारा उद्धार हुआ है. Just a few examples of people who demonstrated this trait.
और मैं आप लोगों के सामने अभी कुछ उदाहरण दूंगा जो लोग की इस मन का दीन हो गए थे. Okay, we know about the prayer of the Pharisee and the tax collector. और हम जानते हैं एक पापी या एक चुंगी लेने वाला और उस फरीसी का प्रार्थना के बारे में. Luke chapter 18 and verse 13. लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसका 13वां वचन पढ़ दीजिए कोई भाई. सिद्ध. ओके. Just before we read that, I just want to mention that this Pharisee, he had nothing to ask to God. और इन वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें को बताना चाहता हूँ. इस फरीसी के पास परमेश्वर से कुछ मांगने का कुछ है ही नहीं. Okay, we read that in verse 11. और हम 11वां वचन में पढ़ते हैं. The Pharisee stood and was praying this to himself. और फरीसी खड़ा होकर के अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा. Okay, he was not asking God, or he was not telling God. I mean, he was not asking God, but he was praying to himself. और वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा था या परमेश्वर से वो बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने स्वयं से बात कर रहा था. Okay, he was depending, or he was talking about the things that he had done, about his ability and his comparison with other people. और वे ये बात कर रहे थे उसका सामर्थ्य से जो कार्य किया उसको वो दिखा रहा था और अपने आप को दूसरे के साथ वो तुलना कर रहा था. But we read about the publican or the tax collector in verse 13. He says, but the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven. But और हम इसमें 13 वचन में देखते हैं उस चुंगी लेने वाला का प्रार्थना. यहाँ पर वे इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपने छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर. Yeah, God have mercy upon, be merciful to me, the sinner. और वे ये कहते हैं कि मुझ पापी पर दया कर. He acknowledged that he was a sinner and it was God, only God who can show mercy to him. और वे ये उसका परिस्थिति को वो समझ गया कि वे पापी हैं और केवल प्रभु ही उसका समाधान है. The Pharisee had nothing to ask God to offer to him. और उस फरीसी परमेश्वर से कुछ भी नहीं मांगा कि वो परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कुछ मांग पाया. But tax collector, he had something to ask God, and that is, God be merciful to me. लेकिन इस चुंगी लेने वाला प्रभु के सामने प्रार्थना किया और कुछ पाने के लिए वो रास्ता देख रहा था और हे परमेश्वर मुझ पर दया कर. Okay, the second example we see is about the prophet Isaiah. और हम दूसरी जो उदाहरण हम देखते हैं ईसाया नबी के बारे में. Isaiah chapter 6 and verse 5. और ईसाया उसका 6 अध्याय और उसका 5 वचन में हम देख सकते हैं. तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज को अपनी आंख से देखा है. Okay, we know this passage and I will not go into the detail of this. But we see that Isaiah, in the previous chapter, he says, woe to the people for the things that they were doing. और मैं ये जो details विस्तारित से इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं. और यहाँ पर जो पिछले अध्याय में Isaiah उन लोगों को Isaiah इस प्रकार से कहते हैं कि जो लोग उन प्रायोगिक जो लोग काम करते रहते कुछ काम कर रहे थे उनके ऊपर हाय करके कह रहे हैं. Okay, so
Isaiah is when the people see Isaiah, they may think that he is much better than them. और हो सके कि लोग जब Isaiah को देखते हैं तो वे दूसरे लोगों से अच्छा है. But when he comes in before the sovereign God. लेकिन जब वो उस महाराजा धीराजा के पास आते हैं. When he comes before the God who is holy, जब वो उस पवित्र परमेश्वर के सामने आते हैं, we see that Isaiah had nothing to offer. और हम इसमें देखते हैं कि इसाया के पास कुछ विषय नहीं था जो वो परमेश्वर को दे सकता है. He says, "Woe is me! I am ruined. I am a man with unclean lips." और तब मैंने कहा, "हाय हाय! मैं नष्ट हो गया क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ." Yeah, this is the attitude we must have. और इस प्रकार का जो मनभाव हमारे जीवन में होना है. The world may see different talents and gifts in us. हो सके कि संसार हमारे जीवन का जो अभिन्न भिन्न प्रकार का जो वरदान और टैलेंट को देखता है. But always remember, when we see the holy and the sovereign God, we have nothing to offer, but we should have the total dependence upon God. और याद रखिएगा कि जब हम उस पवित्र परमेश्वर के उस महाराजाधिराजा परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखना है. Okay, the third example is we see from the patriarch Job. और हम जो तीसरा उदाहरण हमारा जो पुरखाओं के बारे में देखते हैं वो अय्यूब के बारे में हम देखते हैं. Okay, we see in the last chapter, we see that Job has been talking and then God has been explaining things to him. और अय्यूब की किताब उसका आखिरी अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं और अय्यूब परमेश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं. And God has been telling him about his power, his greatness, his creation. And when we come down to verse 6 of chapter 42. और प्रभु सेनाओं का यहोवा परमेश्वर अय्यूब से ये बात कर रहे हैं कि उनका जो सृष्टि के बारे में, उनका महानता के बारे में, उनके गुणों के बारे में अय्यूब के साथ बात कर रहे हैं. जब हम छठवां वचन पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे. Therefore I reflect and I repent in dust and ashes. और उसका 42 अध्याय और उसका 6 वचन में इसे पढ़ते हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पछताप करता हूँ. See what Job has done. He says that I repent. और देखिए अय्यूब अपने आप से परमेश्वर के सामने कैसे कहते हैं, मैं पछताप कर रहा हूँ. God does not accuse him of any sin. परमेश्वर उसका दोषारोपण नहीं किए. God vindicates him in verse 7 and verse 8. और हम जब 6 और 7 वचन में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसको कितना अच्छे न्याय करते हैं. But Job says, I repent. लेकिन अय्यूब वो कहता है कि मैं पछताता हूँ, पछताप कर रहा हूँ. I repent in dust and ashes. और मैं धूल और राख में पछताप करता हूँ. He accepts that God is everything in his life. और वो ये समझ लेता है, ग्रहण करता है कि परमेश्वर ही उसका जीवन में सब कुछ है. He accepts that God is the one without him he cannot do anything. वो ये भी समझ लेता है कि बिना परमेश्वर के द्वारा वो कुछ नहीं कर सकता है. So he says, I repent. So इसीलिए वो कहता है कि मैं पश्चाताप करता हूँ. That's the attitude of Job. और ये है अय्यूब का मनभाव था. Okay, the fourth example is of Peter. और हम जो चौथा उदाहरण हम पत्रस के जीवन से हम देखेंगे.
we know Luke chapter 5 and Jesus' miracle being performed in the earlier verses, in the first verses, yeah. और हम देखते हैं पत्रस के जीवन में जो मत्तलू का रचित सुसमाचार उसका पांच अध्याय में and after that catch of fish और यहां पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बड़ा एक चमत्कार करते हैं उस मछली पकड़ने के द्वारा and after asking all the people to come and help him और जब वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार वो जाल डाला तो वो कितना बहुत सारे मछली पकड़ा और वो दूसरे लोगों को मदद करने के लिए बुलाया and when he sees the Lord Jesus Christ he says in verse 8 chapter 5 in verse 8 और जब वो आठवें वचन में लुका रचित सुसमाचार पांच अध्याय और उसका आठ वचन में ये कहते हैं he saw all what has happened peter saw all what has happened He heard what Jesus Christ had told, and when he sees everything, he fell down at Jesus' feet, saying, "Go from me, O Lord, for I am a sinful man." और पत्रस ये कह रहे हैं इस आठ वचन में प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को देखा प्रभु यीशु मसीह का कार्य को देखा और वो अपने जीवन में उसको अनुभव करने के बाद वो ये कहने लगा ये देखकर समन पत्रस यीशु के पांव पर गिर रहा और कहा हे प्रभु मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ When Peter saw the glory and the majesty of Jesus, he then understood that he is no one. He is just a sinful man, and it is God who is everything. जब वो प्रभु यीशु मसीह का उस महिमा को देखा, उस महिमावान वस्तु को देखा, तो उन्होंने ये पछताया कि हे प्रभु, आप मुझ पापी से आप दूर हो जाओ. Okay, there are many other examples. Just one example, and that is from the life of Paul. और बहुत सी ऐसा उदाहरण बाइबल में जिक्र किया गया है लेकिन मैं एक और उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ प्रेरित पौलुस के जीवन से we read in first Corinthians chapter 4 and verse 13 और ये विषय को हम पहला कुरिन्थियस उसका चार अध्याय और उसका 13 वचन में हम पढ़ सकते हैं we know in when we come to chapter Philippians chapter 3 we know of the credentials of apostle Paul and how a great person he was aur hum dekhte hain jab philippians ki patri uska teesra adhyay mein jab dekhte hain to prerit paulus ke bare mein hum usme acche se padhte hain but he says that for he compares everything of that to nothing because he wants to gain Christ, he wants to know Christ. और फिलिपियों की पत्री में हम ये पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेरित पौलुस सब चीजों को व्यर्थ समझा. But here in chapter First Corinthians chapter 4 and verse 13. लेकिन हम पहला कुरिन्थियों उसका चार अध्याय और 13 वचन में पढ़ते हैं. It says when we were slandered and we tried to conciliate, we have become as the scum of the world. और इसमें हम ऐसे पढ़ते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं. Yeah, he says that we are the filth of the world. We are the The filth, the dirt. The okay. dirt. वो ये कहते हैं कि हम जगत का कूड़ा हैं. Yeah, that is to such a low extent that Apostle Paul was looking at himself. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने आप को कितना नीचा स्तर से देख रहे हैं. So we know that Apostle Paul has no ambitions, and so he was never jealous at any time. और हम ये बात भी जानते हैं कि प्रेरित पौलुस के कोई ऐसा बड़ा इच्छा नहीं था और ना वो किसी के कार्य के द्वारा वो जलते थे we know that he was already he was considering himself as dead to this world and dead to Christ
therefore he was not afraid if anyone would kill him. और इसीलिए वो किसी बात को नहीं डरता था क्योंकि वो संसार की सारे वस्तु उसके लिए कूड़ा समान है, वो व्यर्थ समझता था, अगर उसको कोई जान से मार भी डाले, उस धमकी भी दे, इसलिए वो नहीं डरते थे. He was not interested in reputation, so there was nothing for him to fight about. और वे हमारा वो अपना नाम कमाने के लिए या अपना नाम को ऊंचा पर रखने के लिए वो कुछ नहीं लड़ते थे. He was not interested in the worldly possessions, so there was nothing to worry all about. वो कोई भी सांसारिक पदवी के लिए वो व्यस्त नहीं रहते थे या वो कभी भी चिंता नहीं करते थे. So Apostle Paul, he considered himself to be poor in spirit, always wanted to depend and to trust in God. और प्रेरित पौलुस इसीलिए हम देखते हैं वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन वो संपूर्ण रीति से प्रभु पर ही भरोसा करते हैं. Okay, so these are just the examples of those who had this trait in them. और मैं इन सारे बातों इसीलिए बताए कि बाइबल में से कितने लोग अपने आप को मन के दीनता के दिन में दिन है. Those who were poor in spirit. और धन्य है वे जो मन के दिन. They were absolute poor that they had to depend upon the goodness of God. और वो ना किसी मनुष्य का भलाई पर निर्भर करते थे, लेकिन वो परमेश्वर के भलाई के ऊपर निर्भर करते थे. And that is what Jesus Christ is telling us today. और वही बात है प्रभु यीशु मसीह आज इस सुबह के समय हम सबको बात कर रहे हैं. There is nothing that we can boast about. और हमारे जीवन में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसके द्वारा हम अपने आप को घमंड कर सके. There is absolutely nothing in this world that you can depend about. और इस संसार के किसी भी ऊपर आप निर्भर नहीं रख सकते हैं. But if you want to be blessed, if you want to have the joy in your heart, you must be poor or you must depend upon him. अगर आप उस धन्यता को ग्रहण करना चाहते हैं, अगर आप उस आनंद का भरपूरता को अनुभव करना चाहते हैं, तो आप हमारे जीवन में मन की दीन होना बहुत ही आवश्यक है. And then when we continue that, he says, for theirs is the kingdom of heaven. और उसके साथ साथ वे ये कहते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है. See, Jesus speaks about heaven in the present tense. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को वर्तमान काल में बात कर रहे हैं. Okay, when we look at the other beatitudes, it is they shall be comforted. और आने वाले जो मनभाव के बारे में जब धन्य वचन को देखते हैं, वो आने वाले विषय के बारे में बताते हैं. Okay, they shall inherit the earth, they shall be satisfied, they shall receive mercy. But here it is, for theirs is the kingdom of heaven. और जो आगे का वचन हम देखते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे, क्योंकि वे तृप्त किया जाएंगे. लेकिन हम तीन वचन में देखते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. यहाँ पर वो वर्तमान जो काल को उपयोग किया गया है. He is talking about having a taste of heaven now. और वे अभी उस स्वर्ग राज्य का जो परखने की बातें कर रहे हैं. Okay, when we think of heaven, there are many things that come into our mind. जब हम स्वर्ग के बारे में चिंता करते हैं, तो बहुत सी बातें हमारे मन में आ जाता है. Okay, we think, we read about the streets of gold. और हम उस सोने का रास्ता के बारे में सोचते हैं. We don't have it now. हमारे वर्तमान समय में नहीं है. We think of the redeemed people being made perfect. और जो क्षमा प्राप्त किया गया लोगों को सिद्ध किया जाएगा. We don't see that now. और अभी हम वो बात नहीं देख सकते हैं. We read in Isaiah about the lion lying with the lamb.
और हम ईसाया में देखते हैं कि एक जो मेमना शेर के साथ सोया हुआ है। We don't see it now. अभी के वर्तमान के समय में हम ये नहीं देख सकते हैं। We read in Revelation that every tear will be wiped from our eye. और हम प्रकाशित वाक्य में ये देखते हैं हमारे आंखों का आंसू को वो पोछ देंगे। But we don't see that now. अभी हम ये वर्तमान समय में नहीं देख सकते हैं। Isaiah chapter 57. और ईसाया नबी की किताब उसका 57 अध्याय verse 15 और उसका 15वां वचन पढ़ दीजिए। For thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy. I dwell on high and holy place, that is God, and he is in heaven. He dwells on high and holy place, and also with the contrite and the lowly of spirit. क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं। जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित। Okay, the high and the holy and the exalted one who lives, who dwells in the high and the holy place. और यहाँ पर देखते हैं प्रभु जो महान है और उत्तम है और जो पवित्र परमेश्वर है वो ऊंचे पर विराजमान है और पवित्र स्थान में निवास करता है। But now he dwells also in those who are contrite and poor in spirit. लेकिन वो ऊंचे स्तर पे निवास करने वाला परमेश्वर अभी उनके बीच में वो ढेरा करता है जो खेदित है, जो नम्र है, जो जिनका नम्र हृदय का दीनता है और खेदित लोग है उनके जीवन उनके बीच में वो वास करते हैं। See, God dwells with the poor before the poor can dwell with God. और प्रभु उस दिन लोगों के साथ निवास करते हैं ताकि ना कि उस दिन लोग प्रभु के पास प्रभु से निवास करने से पहले। That is the greatness of being poor in spirit. और ये है मन का दीनता होने का महानता। How blessed we are. और हम कैसे कितने धन्य व्यक्ति हैं। How blessed we are when we depend only on God. और हम जब परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं तो हम कितना धन्य बन जाते हैं। How blessed we are when we consider that we are poor in spirit. जब हम अपने आप को मन की दीन समझते हैं तो हम कितना Brother, you are mute. Okay. Now it's okay. Am I audible? Yes. You are audible. Okay, sir. Please go ahead. Yeah. So that is what we see here, that God dwells with the poor. और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु उस मन की दीनता दीन के लोगों के साथ वास करते हैं। So blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yes, sir. Please go ahead. Call came, so. So Jesus Christ, he begins with that first beatitude of being of blessedness of being poor in the spirit. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो सबसे पहला जो मन भाव को लेकर के बात करते हैं जो कि मन की दीन है। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो मन की दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
Okay, how does this impact us? और ये हमारे जीवन में कैसा प्रभावित करता है? Just a couple of points and then we will close. और मैं आप लोगों के सामने इसके संबंध में कुछ बातें को बताऊंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे. Firstly, we see that the people who are poor in spirit as the idea that God owns them. और जो मन की दीनता दीन लोग हैं, वो ये समझते हैं कि परमेश्वर उन्हीं का है. Yeah, so they have that understanding that God is the one who does everything and they have nothing to offer. और वे ये समझ लेते हैं कि जो परमेश्वर ही जो कुछ उनके जीवन में करते हैं और उसके बदले में परमेश्वर को देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं. Yeah, God is the one who is the owner of them. और परमेश्वर है जो उनके मालिक है. And they are dependent upon God. और वो परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर करते हैं. Are we putting our trust, are we putting our entire focus and our dependence on God? और क्या हम उस परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से भरोसा करते हैं, आशा करते हैं? Secondly, people who are poor in spirit are not afraid to ask. और दूसरी बात हम देखते हैं, जो लोग मन में दीन हैं, वो परमेश्वर से कुछ भी बात मांगने के लिए नहीं डरते हैं. Yeah, because I told you at the beginning that being poor in the spirit is the abject poverty, where we depend upon the goodness of others, and so we will always ask God. और जैसे मैं पहली बार जो कहा था कि उस मन की दीनता के द्वारा हम किसी ऊपर के निर्भर नहीं करना है, लेकिन हम टोटली जो संपूर्ण रीति से प्रभु पर भरोसा करना है और उनसे हमको मांगना है. The man, one servant of God has said that the poor in spirit will always be begging. और एक परमेश्वर का जन ऐसा कहा है, मन की दीन मतलब हमेशा परमेश्वर से मांगते रहना. Okay, they will always be in prayer. और जिसका और कहने का तात्पर्य ये है कि वो हमेशा प्रार्थना में निरंतर लगे रहेंगे. They are not afraid to ask God for the spiritual needs that they have. और वे उनका जो आत्मिक जो बढ़ोतरी के लिए वो परमेश्वर से ही प्रार्थना करेंगे. See, we may work to prepare a sermon or a message or to prepare a Bible study. We may take maybe 10 hours or a couple of days. एक संदेश या एक वचन की तैयारी करना है तो हो सके 10 घंटा लगेगा या कुछ दिन भी लग जाएगा. But we may spend only 10 minutes or 20 minutes in prayer. हो सके उसके लिए हम केवल 10 मिनट या 20 मिनट हम प्रार्थना में समय बिताते हैं. So what we are trying to do is that we are trusting our own strength, our own skill, and we are not putting our trust in God. जिसका मतलब ये है कि हम अपने समझ पर निर्भर करते हैं, हम अपनी ताकत पर निर्भर करते हैं, हम प्रभु के पर भरोसा नहीं करते हैं. A person who is poor in spirit will not be afraid to ask, he will be in prayer. जो व्यक्ति मन में दीन है वो कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कभी नहीं डरेगा. And those who are poor in spirit will be in a position to receive. और जो मन की दीनता दीन है वो लोग उस पाने की स्थिति में रहेंगे. Okay, they are in a position to receive because their hands are empty. और वे लोग मांगने से वो लोग को मिलेगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है तो वो लोग उसको ग्रहण कर पाएंगे. Okay, they are so poor that they are depending upon the goodness of others, so that their hands are empty and they can receive.
और वे लोग दूसरे के भलाई पर निर्भरता करते हैं, वो लोग खाली हाथ में हैं, इसीलिए वो लोग उसको ग्रहण कर पाएंगे। See, we cannot receive anything in our hands if our hands are already full and it's already closed. अगर हम देखो जब हमारा हाथ अगर ऐसा बंद कर देते हैं या हमारा हाथ पूरा भरा हुआ है तो हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। Okay, there is an English song that says like, there's nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. और एक जो अंग्रेजी में एक गाना है कि मैं मेरा हाथ में कुछ नहीं है जो मैं आपके पास लेके आऊंगा लेकिन उस क्रूस को मैं ध्यान लगाता हूँ। Yeah, there is nothing in my hands. मेरा हाथ में कुछ नहीं है। When I am poor in spirit, I know that there is nothing in my hands and it is only God who can fill or who can give me. जब मैं मन की दीनता अधीन हो जाता हूँ तो मैं ये समझ लेता हूँ कि मेरा हाथ में कुछ नहीं है और ये परमेश्वर है जो मेरा हाथ को पूरा करता है। So this morning when we go to different activities, let us always remember that we need to consider ourselves. If we have to be blessed, if we have to have that joy, then we have to be poor and depend only on the goodness of God. और आज के सुबह के समय में हम जो कार्य करने के लिए जो जाएंगे तो हमारे जीवन में भी संपूर्ण रीति से प्रभु पर भरोसा करना है, ना अपने समझ पर भरोसा करना है, ताकि हमारा जो मन में दीन हो करके परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए हम तैयार रहना है। Always depend upon God. हाँ, हमेशा प्रभु पर ही भरोसा करना। Always think that we are poor in spirit. हमेशा ये सोचना कि हम मन में दीन हैं। And when we do that, we will be blessed and we will have the joy in our hearts. जब हम ये बातें को हमारे जीवन में लागू करेंगे तो हम लोग धन्य हो जाएंगे और उस आनंद को उपभोग करेंगे हमारे जीवन में। May the Lord bless us with these words and may His name be glorified. परमेश्वर हम सबको इस वचन के साथ हमको आशीषित करे, परमेश्वर की महिमा। Thank you so much, sir, for your wonderful word of encouragement and encouraging us how to be poor in spirit. Really, it is a heart-touching message. We know that you have worked a lot to prepare this sermon. Thank you so much, sir, for your precious time that you gave and brought us God's word into our life. Thank you so much, sir. On behalf of Gwalior Brethren Assembly and on behalf of BDTI School. So, abhi hum prarthna karenge aur samapt karenge aur jaise vachan mein hum sunna hai ki हमारे मन में दीन बनना कितना आवश्यक है, उस आनंद को और धन्यता प्राप्त करना है तो मन में दीन होना है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू अंत करेंगे, समाप्त करेंगे। हमारे बीच में सुंदरलाल भैया है, वो प्रार्थना करेंगे और इस सभा को हम समाप्त करेंगे। सुंदरलाल भैया। हाँ ब्रदर, आप प्रार्थना करिएगा और समाप्त करिए। हम के लिए प्रभु आप सहायता करना और प्रभु के दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो वचन सुनाए हैं और हम दशरथ जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के दास के लिए जो प्रभु ने अनुवाद किया। प्रभु आप सहायता किया, हम जितने सुनने हैं वाले हैं उन सबों को प्रभु आपने मदद किया और अंजीत सर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने जिस जूम को चलाने में मदद किया है, हर एक भाई बहन के लिए तेरा हम धन्यवाद देते हैं और सुबह के मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांग के सुन कर आमीन आमीन।